गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ये मानवी बेटा आप अपना नेम राइट कीजिए, मैम का नेम राइट नहीं करना है आपको। मानवी देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है वो है उ की मात्रा, चैप्टर 8 उ की मात्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम जब उ की मात्रा का मैंने आपको उ की मात्रा बताई है, उ की मात्रा कहाँ लगती है। तो स्टूडेंट्स उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे लगती है। और जब ये मात्रा व्यंजन पे लगती है तो उसका उच्चारण कैसा होता है? लंबा होता है, है ना? और कैसे लेके है तक के सभी व्यंजनों पर ये मात्रा कहाँ लगाई जाती है? स्टूडेंट्स व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। पर इसमें जो हमारा र व्यंजन होता है उस पर ये मात्रा व्यंजन के पीठ पर, क्या बोलते हैं हम, इसकी पीठ होती है ना, उस पर हम ये मात्रा लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने उ की मात्रा के 2, 3 व 4 वर्णों वाले शब्द बताए थे। तो स्टूडेंट आज हम उ की मात्रा का चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको मैंने शब्दों को पढ़ना बताया था, उसी तरीके से हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि जब हम व्यंजन पर ये मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण लंबा होता है, है ना? कैसा होता है? लंबा होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखेंगे कि सैपर है वो किसकी मात्रा है? उ की मात्रा है, है ना? तो देखिए जब सैपर ये उ की मात्रा लगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? सू। क्या बोलेंगे? सू। अब देखिए सू र ज। ठीक है, हमने अभी क्या किया है? एक एक को पढ़ा है। अभी स्टूडेंट्स हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे। तो देखिए क्या बोलेंगे हम इसे? सूरज। सूरज। न पर हमारे कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है, है ना? क्या बोलेंगे हम इसे? नी। नी। ला। ल पर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो क्या क्या बोलेंगे हम? निकला, है ना? सूरज निकला। अब देखिए नेक्स्ट, दे पर कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? उ की। उ की मात्रा। क्या बोलेंगे हम इसे? दू। दू। ध। ध। दूध। और पेपर है ई की मात्रा, पी। क्या बोलेंगे हम इसे? पी। दूध पी। ओके नेक्स्ट है खै। और जयपर आपकी कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा है। तो देखिए क्या बोलेंगे हम इसे? जू। दू। बेटा दू नहीं, जू बोलेंगे। जू। रे क्या बना? खजूर। नेक्स्ट है
हाँ ठीक है, देखिए सूरज निकला दूध पी खजूर खा। ओके अब देखिए नेक्स्ट है, झ पर कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा है, क्या बोलेंगे हम इसे? झू, झू। ल पर है आ की मात्रा, क्या? ला, झूला, क्या बोलेंगे? झूला। अब देखिए झ पर है आपके उ की मात्रा, झू ल, झूल, झूला, झूल। ओके नेक्स्ट, म पर है आपके उ की मात्रा, क्या बोलेंगे हम इसे? मू। और फिर है ली, मूली, चा। और प पर आपकी है उ की मात्रा, कू, चाकू। व ची, और क पर उ की मात्रा है चीकू, क्या बोलेंगे? चीकू। ला, अब देखिए झूला, झूल, मूली, चाकू व चीकू ला, है ना। नेक्स्ट है सेपर है आपके उ की मात्रा, क्या बोलेंगे हम इसे? सू, क्या बोलेंगे? सू, रे, जे, सूरज। अब देखिए द पर कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा है, तो क्या बोलेंगे हम इसे? डू, बे, डूब, क्या बना? डूब। गया, गया। ओके नेक्स्ट है ध पर कौन सी मात्रा है आपके? उ की मात्रा है, क्या बोलेंगे हम इसे? धूप, धूप, चली, चली, गई, गई, है ना। तो देखिए अब आप इसे क्या करेंगे, हम एक साथ रीड करेंगे। सूरज डूब गया, धूप चली गई। ओके नेक्स्ट है झ पर किसकी मात्रा है? उ की मात्रा है, क्या बोलेंगे हम इसे? झू, क्या बोलेंगे? झू, है, झूठ, क्या बोलेंगे? झूठ। मैं, ते, मत, कह, है, कह। देखिए इसे आपको क्या करना है, एक साथ भी पढ़ना है, झूठ, मत, कह। अब देखिए ध पर क्या है? उ की मात्रा है, क्या बोलेंगे? धू, ल, आगे क्या है? ल भी है ना, तो देखिए धू ल, धूल, मैं, ते, मत, उड़ा, उड़ा, है ना। कैसे रीड करेंगे? झूठ मत कह, धूल मत उड़ा। ओके मानवी आप है ना, यहाँ मैम की, आपने जो मैम का राइट कर रखा है उस जगह आप अपना नेम राइट कीजिए। आपने जो नेम डाल रखा है ना शिप्रा कुमावत, उसकी जगह आप अपना नेम राइट कीजिए बेटा। अब देखिए मैं आपको इसे रिवाइज करवाती हूँ। सूरज निकला दूध पी खजूर खा, झूला, झूल, मूली, चाकू व चीकू ला। सूरज डूब गया, धूप चली गई, झूठ मत कह, धूल मत उड़ा। ओके अब देखिए नेक्स्ट, ये क्या है आपके? पोयम है ना। अब देखिए इसको आप कैसे
रीड करेंगे तो देखिए भालू लेटर कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, लू है ना, भालू नाचा नाचा। अब देखिए छ मैं क्या बोलेंगे हम इसे, छम छ मैं छम। ओके भालू नाचा छम छम ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो र व्यंजन होता है उस पर ये मात्रा कहाँ लगती है, उसकी पीठ पर लगती है। अब देखेंगे आप यहाँ कि यहाँ राइट है ड मैं और रैपर है आपके उ की मात्रा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो र व्यंजन होता है उस पर ये मात्रा नीचे नहीं आती है, कहाँ नहीं आती है, नीचे नहीं आती है ना। तो देखिए ये कहाँ आती है, इसकी पीठ पर आती है जैसे कि यहाँ लगी हुई है। तो देखिए ड मैं रू क्या बोलेंगे, डमरू डमरू है ना, ब ज ता बजता ठीक है, ड मैं डम ड मैं डम ड मैं डम। अब देखिए कैसे रीड करेंगे आप, भालू ना भालू नाचा छम छम, डमरू बजता डम डम डम। ओके अब देखिए नेक्स्ट है रा और मैं पर क्या है, ऊ की मात्रा है, क्या बोलेंगे हम इसे, मू रामू भा और ले पर क्या है, ऊ की मात्रा है, क्या बोलेंगे हम इसे, लू भालू नाचा, क्या बोलेंगे नाचा। सॉरी स्टूडेंट क्या आएगा, नाच आएगा है ना। नाच रहा था ठीक है। देखिए रामू भालू नचा रहा था, रामू है वो किसे नचा रहा था, भालू को नचा रहा था है ना। अब देखिए भा और लेपर क्या है, उ की मात्रा है, क्या बोलेंगे, भालू झूला झूला झूले झूल सॉरी भालू झूला झूल रहा था। अब देखिए इसमें क्या है, एक भालू है वो कैसे नाचता है, छम 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 है ना, और डमरू कैसे बजता है, डम डम। रामू भालू नचा रहा था, जो रामू है वो क्या कर रहा था, भालू को नचा रहा था, भालू झूला झूल रहा था, और भालू क्या है वो क्या कर रहा था, झूला झूल रहा था है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या किया है, हमने ऊ की मात्रा की जो पोयम है वो भी रीड की है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, यस मैम। तो शानू आप रीड करके बता सकते हैं मुझे, शानू यस मैम आप रीड कर सकते हैं बेटा इसे।
यस मैम। अच्छा तो ठीक है, आपको रीड करनी है ये वाली रो। रीड कीजिए। सूरज सूरज अब बेटा अब नहीं है ये, देखिए सूरज और डेपर क्या है आपके ऊ की मात्रा है, क्या बोलेंगे डू, क्या बोलेंगे डू, और फिर है ब। कैसे रीड करना बताया था मैंने, पहले बेटा आप व्यंजन को अलग अलग करके रीड कर लें है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर हमें व्यंजन अक्षरों को मिलाकर पढ़ना है ना। जैसे कि सू, आपको मालूम है कि स पर जब ऊ की मात्रा लगती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सू बोलते हैं है ना। तो देखिए सू र ज सूरज, ठीक है। नेक्स्ट है द पर है आपके ऊ की मात्रा, तो क्या बोलेंगे आप इसे डूब, डूब। आगे रीड कीजिए। शानू रीड कीजिए बेटा। डूब का बू, हाँ बेटा हम बोलेंगे ग, ये तो बिना मात्रा का ही है, इस पर तो बेटा किसी चीज की मात्रा नहीं है, तो ये क्या है ग है, क्या है ग, और फिर ये पर है आपके आ की मात्रा, हाँ? क्या गया, सूरज डूब गया। आगे रीड कीजिए बेटा। देखिए फिर है नेक्स्ट, मैंने आपको रो पढ़ने के लिए बताई है, वो है धैपर क्या है आपके ऊ की मात्रा है, क्या बोलेंगे आप इसे दू, प, क्या है प, धूप। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये शब्द रीड करके बताइए। अब देखिए मानवी आप बताइए, आपको इसे रीड करना है, बताइए। शानू आप बताइए आप इसे कैसे रीड करेंगे। फूल, फूल। मानवी मानवी अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ शब्द है रीड कीजिए इसे मानवी। देखिए मानवी आपको इसे रीड करना है कैसे, आपको मालूम है हम इसे क्या बोलते हैं ख, क्या बोलते हैं ख, और नेक्स्ट है आपके जय, और जय पर क्या है ऊ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है ऊ की मात्रा, तो जब हम जय पर ऊ की मात्रा लगती है तो उसे क्या बोलते हैं
जू, क्या बोलते हैं? जू। और फिर है र, तो देखिए आप इसे कैसे रीड करेंगे, है जू र, है ना, एक साथ मिला के बोलिए खजूर। तो स्टूडेंट्स आप बताइए, आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। समझ में आ गया? यस मैम। ओके।